बहुत सारी चीजें खरीदने लगे हम लोग, मैंने पूरी बेकरी को उधर उठा दिया गाइस। कर ट्राई मेरा हिल, चल शाबाश, डबो के खा। पूरा डबो सुनने को मिला है, उसके हिसाब से मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसके हिसाब से ये है कि इन लोगों में जो भी बेबेकरी जो भाई पांच भाई चला रहे हैं उनमें बहुत यूनिटी है, क्योंकि वो सिर्फ वो लोग नहीं चला रहे। हेलो एवरीवन, आगे क्या है फ्रियाल, आगे क्या कहना है मुझे बताओ कि कैसे व्लॉग बनाते हैं। मुझे व्लॉग हम जा रहे हैं ना। हाँ, मुझे याद आया, असल में हमारी सारे इर्द गिर्द के लोगों को बेबेकरी बड़ी पसंद है, तो हमने कहा चलो बेबेकरी से आज सारी चीजें लेके खा के ट्राई करके आपको उनका टेस्ट बताते हैं डिटेल में। अब मैंने वैसे भी बाकी ऐप से कट्टी कर ली और यूट्यूब से कर ली है दोस्ती, तो अगर उससे मैंने दोस्ती किया तो तुम लोगों का काम ही बनता है मुझे सब्सक्राइब करना, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इन दोनों को मैं जबरदस्ती लेके आई हूँ, तो इन दोनों तैयार नहीं हुई और मैं बहुत ओवर एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बेबेकरी वैसे ही बड़ी पसंद है। तो आज मेरे व्लॉग में तुम लोग को दिन का उजाला भी देखने को मिल रहा है, सबसे मजे की बात ये है, नहीं तो हमेशा रात को ही हम लोग उठते हैं रात को ही व्लॉग करते हैं, क्योंकि आज हम लोग सियालकोट भी जा रहे हैं। कितना कुछ हो रहा है आज के व्लॉग में, नाहल कहना है ना हम नहीं देख सकते, तो देखते हैं जब हम सारी थोड़ी थोड़ी चीजें खरीदेंगे तो उनको कितने पैसे बनेंगे। तो आज तुम लोग बताओ कितने पैसे बनेंगे। हाँ भाई, इनको क्या चला, कितने पैसे बनेंगे बता। 40 लाख। ठीक है, 40 लाख डाल। तो चलो जी, अच्छा जी, हम बेबेकरी बोल के लोग को दिखाओगे। चाइनीज की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं माइक नहीं लेके आई, आवाज नहीं आ रही। आज आई एम सो एक्साइटेड, हम बेबेकरी जा रहे हैं। मेरा है तो मैं एक्साइटेड हूँ, पूरा फ्रिज शाम के टाइम आओ, ये फ्रिज भरा नहीं होता पर ये सब कुछ भरा हुआ है, और मैं कह रही हूँ कि सब चीजें एक एक लेके ट्राई करके देखते हैं क्या हिसाब किताब क्या हुआ है। इतनी सब चीजें एक एक पावन हो, इतनी वैरायटी, मतलब एक एक वैरायटी, केक थोड़ी ले रहे हैं। हाँ ये लेंगे रेड वेलवेट मोल्टन, रेड वेलवेट तो है नहीं, खाली मोल्टन लावा लोटस लेंगे, फिर इसमें से एक लेंगे, एक ये लेंगे, एक ये, एक ये, और फिर तुम्हें चपेड़े भी लगाएंगे। ये इनकी चॉकलेट है जो कि फ्रेश बन रही है, जो कि ये मैं अभी तुम लोगों को इसमें मिनाहिल का सर दे के दिखाऊंगी। और यार इनके केक्स इतने फाइन लगते हैं ना सारे के सारे। चलो खरीदें, हम खरीदारी शुरू करते हैं, खरीदारी शुरू करते हैं। हाँ हाँ डन भाई, ये कितने का है? हम अमीर बहुत है ना सर, बहुत अमीर। ये जी हमने सियालकोट भी चीजें लेके जानी, तो ऊपर वाले 3 डब्बे सियालकोट के लिए, दूसरों को नीचे वाले। ओ सॉरी, नीचे वाले, और ये वाला डब्बा हमारा है। ठीक है, वो वहाँ पे डब्बा, ठीक है, हम लोग गरीब लोग हैं और यहाँ पे चीजें बन रही हैं। चेक करें, क्या बात, केक बनवाया हुआ है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। खुश फैमिली देखी है आपने कभी? तुम लकी हो, है यहाँ से हम बिल बनाने लगे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको 100 पर्चियाँ बनवानी पड़ती है हर चीज की। चल अब हम यहाँ की सारी चीजें लेंगे, आपको डब्बा ले आओ, बहुत सारी चीजें खरीदने लगे हम लोग, मैंने पूरी बेकरी को उधर उठा दिया गाइस। सैंडविच टाइप कुछ है, सैंडविच केक कहते हैं, वेजिटेबल केक वो जो होता है ना, लक्की श्री भी है, आधा फोर लिखा हुआ है, नहीं आधा किलो लिखा हुआ है वो देखी फ्रिज के साथ। बाकी सारी तो बेसिक पेस्ट्रीज है, तो वो तो नहीं लेंगे ना हम, ये तो पैसे बचा रहे हैं, अभी से मिल जाती है यार। क्या हो गया, अभी तुम लोग खा लेना, तुम लोग अभी तुम लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। हमने खा नहीं, हम तो डाइटिंग पे हैं। अपनी YouTube ऑडियंस को अच्छा देखे तो वाह, मैं बंद कर रही हूं व्लॉग, उन्हीं से व्लॉग बनवा जा। कितने नीचे से क्यों बना रही, लोगों ने कह रहे हैं कि टैड है, मेरा व्लॉग बनाया। हां तो टैड ही है, ये टैड भी ले ले, मैं टैड और चॉकलेट टैड भी ले। कितनी मजे की लग रही है, बंद कर दो चीजें खरीद के, आज तक मैं बाद में लोगों को दिखाती हूं। चलो लोगों को भी तो बताएं, हम अपना, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम अपना क्रीम पफ लेके इसमें फुटेट कर, एक खा सकती हो तुम, एक 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 एक्सपेरिमेंट कर सकती हो। अभी बिल नहीं हुआ, वो कहेंगे पहले खा लिया, कुछ नहीं कहते, बिल देना ही हमने। कर ट्राई मेरा हिल, चल शाबाश, डबो के खा। पूरा डबो भाई, अभी 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 एक दो दिन के लिए खा ले।
आपकी बेबेकरी सियालकोट जा रही है। मजेदार। इसका मुंह देखें जरा, चॉकलेट चॉकलेट हो गई है पूरी जिंदगी में भाई। बहुत कंसेंट्रेट। ये है वैरायटी ऑफ ड्राई केक्स, और ये है वैरायटी ऑफ ब्रेड्स, और ये है वैरायटी ऑफ बगैर केक। ये बेबेकरी किसकी होगी? बेबेकरी किसकी भाई? ये बेबेकरी किसकी है? किसी को भी नहीं पता फरियाल। नो वन नोज। ये ऑस्ट्रेलिया के माफिया की है। ये देखें जी गाइस, ये हमारा दोनों चीजों का बिल बना, और ये भी हम इधर पे करने लगे हैं दूसरे काउंटर पे। फतूक फरियाल से पैसे उधार लेंगे। फरियाल ने तुम लोगों को बेबेकरी सही से नहीं दिखाई थी, मैंने सही से दिखाई है भाई। चलो आओ साथ उनके फास्ट फूड वाली जगह पे चलते हैं। ये है सपनाबाद के बीचो बीच द बेकर्स। चाइनीज में भी उन्होंने लिखा हुआ है गाइस। हम लोग अभी उनके फैमिली हॉल में आ गए, जहाँ पे रोशनी बहुत कम है, लेकिन हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम जो भी चीजें खरीद के लाए हैं वो हम ट्राई करेंगे। ठीक हो गया। इनके पास चाइनीज का भी मेन्यू है, तो हमने थोड़ी बहुत चीजें इसमें से भी मंगवा ली है, तो देखते हैं। गाइस हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं रिव्यू, वो भी बेबेकरी की चीजों का, जो कि मैंने पहले भी खाई हुई है, लेकिन मैंने कहा कि एक दफा तुम लोगों के लिए भी कर लेते हैं। एक दफा मैंने रील के लिए शूट किया था, लेकिन वो मैं रील कभी लगा नहीं सकी। तो सबसे पहले हम लोग अपने शॉपर लेके आते हैं, और मैंने इन सब चीजों में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें डलवाई हुई है। हाँ तुम भी आ रही हो, तुम भी बोलो ना, तुम ब्लॉग में बोलो। शॉपर की वजह चुप गई है, शॉपर क्या के पीछे है अब जी। अब हमने कर दिया है व्लॉग स्टार्ट, और हम लोग ये जो हमारा छोटा सा इंटायर मिनी, क्योंकि इस वक्त ये चीज़ें यही चीज़ें अवेलेबल थी, तो ये चीज़ें रख के पहले मैं मॉल्टन लावा ट्राई कर लूँ, फिर बाकी की कहानी मैं तुम लोगों को बाद में बताती हूँ। ठीक है, अच्छा है। मॉल्टन लावा से कंपेयर करके देखा जाए, पुराना बना हुआ उसको हमने रीहीट किया, तो एज अ कंपेरिजन करें तो ठीक टेस्ट है। अच्छा, तो थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ मैं तुम लोगों को बेबेकरी की। मुझे जो सुनने को मिला है उसके हिसाब से, मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसके हिसाब से ये है कि इन लोगों में जो भी बेबेकरी जो भाई पांच भाई चला रहे हैं उनमें बहुत यूनिटी है, क्योंकि वो सिर्फ वो लोग नहीं चला रहे, उनके साथ उनकी बाकी फैमिली भी इसी पर काम कर रही है। पहले ये खान बेकरी के नाम से जानी जाती थी, फिर सब बट गए, और एंड देन जब वो वापस जुड़े तो उन्होंने उसको बेबेकरी के नाम से काम को स्टार्ट किया। और ये भी उन्होंने मुझे बताई है बात कि हर चीज़ का फ्लेवर अलग है, मतलब आप हर चीज़ को ट्राई करोगे तो आपको अलग चीज़ का ही फ्लेवर आएगा। ऐसे नहीं है कि एक ही रेसिपी से सारी चीज़ें निकाली गई हैं। और मेरे फेवरेट इधर के ये जाहिर बात है, इनको मैं मिनी क्रीम पफ कहती हूँ, लेकिन असल लफ्ज़ इनका है प्रोफाइल पता नहीं क्या लफ्ज़ है, गूगल से देख के बताती हूँ। ये इनका संडे है, ये इनकी चार तरह की टार्ट्स हैं इस वक्त हमारे पास। ये क्रीम रोल है, मॉल्टन लावा मफिन, लोटस इनकी बहुत मशहूर है, ये लब्बे शीरी, और ये हमारी क्रीम ब्रूल, और ये बस बसबूसा है जो कि तुर्किश स्वीट है। हमने वैसे कुनाफा भी ट्राई करना था, लेकिन इनके पास अभी कुनाफा अवेलेबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, किस चीज़ से स्टार्ट करें? मेरा लब्बे शीरी से, यही है नाम है ना, मुझे हमेशा भूल जाता है। ये चेक करें, मजे का। मैं दूसरी बाइट इसीलिए मैं इस तरह की चीज़ें ट्राई नहीं करती, लेकिन बिलीव मी है मजे का। लूट लिया गया है गाइस, मुझे लूट लिया गया है। तो भाई लब्बे श्री तो हो गया एक्सेप्ट, लेकिन अब हमने ट्राई करना है, मेरा ही अगली चीज़ क्या, ये क्रीम, इसका नाम नहीं मुझे पता, वट एवर। ठीक है, मैंने पहले खाया, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन मेरे ख्याल से इसको गर्म करके वो कैरमल का कुछ ऊपर हीट करके देते हैं, उन्होंने अभी दिया नहीं है, मैं वैसे ऐसे ही खा लेते हैं। निकलो ये लेके। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेडो नहीं होती वैसे बना की कंसिस्टेंसी का है। मुझे ऐसा लगता है मेरा फ्लेवर ही नहीं है। हाँ, मीठा अंडा लग रहा है, सही बात है, मैं इसको कहने लगी थी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब हम ट्राई करेंगे बस बूसा द तुर्किश स्वीट, द तुर्किश पेस्ट्री। वैसे मैंने देखा है कि बस बूसा जो होता है ना, वो इतना सा इतने इतने मिनी बाइट्स में ना असॉर्टेड बनाए होते हैं, लेकिन ये इन्होंने बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ी अमाउंट में बनाया हुआ है। लो डिग ही गया, किस्मत ही नहीं सी, लेकिन ये ना थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा सा क्या कहते हैं ऑयली जूसी है। हाँ, शीरा डाला हुआ है, तुर्किश स्वीट में ज़्यादातर शीरा ही डलता है।
उबे आ गया रोना आहा मजा आया यार मैं अब से ये भी खाया करूंगी इनका ब्रो कोकोनट का टेस्ट आ रहा है वो पीछे बिहाइंड कैमरा कह रही मुझे खिलाओ यार बहुत मजा आया कसम से इसको खा के चस पड़ गई है कसम से चलो तुम अगली चीजें खाओ अच्छा तू बड़ी तेज चालू हो रहा है बहुत तेज हो रहा है इनका लोटस ट्राई करने लगे हैं और ये भी काफी मशहूर है लोटस थ्री मिल्क तो ये खाने लगे हैं इनका वैसे भी बहुत मशहूर है और एक दफा तो मैं अब तुम लोगों को इसकी कहानी बताऊं मेरे दोस्त ने खा के फूड पॉइजनिंग करा ली थी अपने आप को इतना उसको ये पसंद है उसका घर पास ही है ना यहाँ से हम लोग तो इतनी दूर से आते हैं ये खाने के लिए लेकिन आज दोस्त मैं नहीं थी हाँ ये नहीं थी वरना मैं कहती कि मिनाहिल ने अपने आप को फूड पॉइजनिंग करा ली थी तो अब मैं इसको खाने लगी मैंने पहले खाया मुझे बहुत पसंद है आज देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है मैंने भी खाया पहले जैसा होता है जैसा लोटस थ्री मिल्क पेस्ट्री को होना चाहिए यार अब मैं ना टार्ट्स ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं चाह रही हूँ कि सारी टार्ट्स को एक प्लेट में कर लेते हैं ये टार्ट नहीं है क्रीम चीज पाए है चीज देखें उसके ऊपर एक चीज लगी हुई है येलो कलर की कौन सी चीज होती है ये सारी चीज येलो कलर की होती है ना व्हाइट इतने कलर्स की चीज होती है मेरे ख्याल से ये चेडर है वैरायटी ऑफ टार्ट्स तो जी सबसे पहले कौन सी वाली टार्ट ट्राई करें मुझे ये बहुत मजे ये वाली बहुत मजे की लग रही है लेकिन अब ये वाली ट्राई कर लेते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चीज़ वाली चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती अच्छा पूरा खाना खाने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं भाई भी बोल लो मन मुझे ला मुझे कौन खाता है तुमने अभी खाई है ऐसे लग रहा है ग्रीस और पता नहीं पता नहीं यार क्या अजीब सा टेस्ट है वॉलनट वाली ट्राई करते हैं ये जो नीचे बिस्किट है ना यार ये इतना मजे का ना मैं थोड़ा सा मतलब ट्राई कराती हूँ बिस्किट रहे बिस्किट देखिए इतना मजे का ना कि उस चीज़ ने उसको बिस्किट का टेस्ट भी खराब कर दिया बिस्किट मुझे लगता है मुझे ये भी नहीं ट्राई करनी चाहिए ठीक है लेमन टार्ट है लेमन टार्ट की एक तो मैं लवर भी नहीं हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि लेमन मैक्स से बना हुआ होगा हाँ। मैं इसकी बहुत छोटी बाइट लेने वाली हूँ जैसा मैंने कहा था लेमन मैक्स से बना पता नहीं लेमन टार्ट बनती किस तरह मुझे इसकी रेसिपी देखनी है भाई लेमन को करते हैं इट्स नॉट गुड लेमन जूस और फिर वो लेमन का वो थोड़ा पर छिलका भी ये है आज की शो स्टॉपर क्योंकि इतनी फ्लो तुमने खाई नहीं है तो मैं बता रही हूँ क्योंकि इतनी फ्लोलेस लग रही है ना इसको देख के मतलब क्लोज अप दिखाओ लोगों को इसको इतनी खूबसूरत ऐसे इसकी एक एक लाइन इतनी प्यारी है आई होप कि मेरी एक्सपेक्टेशंस पे चली जाए एक्सपेक्टेशंस हर्ट्स मुंह में बाइक टू रनर हाँ नहीं अच्छी होगी मुझे भी लगा नहीं हाँ अच्छी है ऐसी टार्ट्स मुझे पसंद है चॉकलेट टाइप ये लो प्रिंस बिस्किट लग रहा सारी चीजें ट्राई कर ली हैं बस दिस मफिन लेफ्ट मैंने मफिन मुझे लग नहीं रहा मुझे ऐसे लग रहा है कोई ब्लैंक सा टेस्ट होगा इसका तो थोड़ा सा ट्राई करके देख ही लेते हैं एज एक्सपेक्टेड जो कहा था पर सही अच्छा है ये है थ्री मिल्क सेंडर और मुझे पक्का यकीन है कि ये लोटस थ्री मिल्क पेस्ट्री जैसा ही होने वाला है लाओ एक बाइट लेते हैं इसकी आजकल लोटस लोटस इतना हुआ है ना क्योंकि चॉकलेट थोड़ा ज़रा वो हो गया ओवर रेटेड हो गया तो लोग लोटस के पीछे पागल हो रहे हैं बट लोटस भी जल्दी ओवर रेटेड हो जाएगा तो उसके बाद कौन सा फ्लेवर आएगा पता नहीं अच्छा मैंने ऐसा ना विला में खाया था विला जैसा और ये हैं जी हमारे इधर के फेवरेट द मिनी प्रोफाइलाइट्स पता नहीं बराबर देखना क्रीम कैसे बाहर आती है इसमें से चारों तरफ से क्रीम बाहर आएगी आ क्यों नहीं है और इनकी क्रीम इतनी मज़े की है ना कि ये खाने के बाद मुझे कोई भी ना क्रीम रोल अच्छा लगता है ना क्रीम पफ अच्छे लगते हैं
ये मैंने डस्टबिन बिठाई हुई है, बाकी सारा इसको खिलाती हूँ। और ये मेरी मामा के फेवरेट हैं, तो मैं इसकी छोटी सी बाइक लूंगी क्योंकि मैं मामा के लिए लेके जाऊंगी। क्रीमी नहीं आई, इधर से ले लेते हैं। तो ये था जी हमारा आज का ब्लॉग, और मेरे मुंह पे इतनी ज़्यादा बेकरी लग गई हुई है कि मुझे फील हो रही है। लेकिन मुझे ये वाला जो है ना, क्या कहते हैं, मेन्यू करके जो चीज़ हमने ट्राई की, मुझे करके मज़ा आया है। क्योंकि मुंह के ना, जितने मुंह को टेस्ट दो ना, उतने फ्लेवर्स निकलते हैं, उतना ही आपके टेस्ट बड्स अच्छे होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं जो इधर से चीज़ें ट्राई करूँगी ना, वो ये है, ये चॉकलेट टार्ट है, ये मॉल्टन लावा है, ये लोटस पेस्ट्री है, बसबूसा है, और ये संडे है। ये सारे मेरी नेक्स्ट विश लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और आगे ये भी बताओ कि हमें किसका और मेन्यू को ट्राई करना चाहिए, और बताना चाहिए कि क्या 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 क्या। ओके, और हमारा सूप आ गया, तो व्लॉग बंद कर दो, सूप पीते हैं। और हम इतना ज़्यादा मीठा खाने के बाद पियेंगे सूप।